नमस्कार, मैं हूं राहुल चौधरी और डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। आज बात पनौती की, और असल में पनौती है कौन वो भी हम आपको बताएंगे। देश के प्रधानमंत्री को पनौती बताने वाले लोग खुद कितने बड़े पनौती हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले जानते हैं कि मामला क्या है। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पनौती कहा है। अब सोशल मीडिया पर पीएम मोदी और बीजेपी के प्रशंसक भड़के हुए हैं। विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इसके अगले साल लोकसभा चुनाव बहुत करीब हैं। ऐसे में पनौती वाली टिप्पणी कांग्रेस पर कितनी भारी पड़ सकती है वो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा, सुनिए। यादे हाँ क्या पनौती 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 वो अच्छा भला वहां पे अच्छा भला हमारे लड़के वहां पे वर्ल्ड कप जीत जाते वो वहां पे पनौती हरवा दिया। टीवी वाले ये नहीं कहेंगे मगर जनता जानती है। ये वीडियो 21 नवंबर की है जब राहुल गांधी राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए जालौर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। राहुल गांधी ने कहा अच्छा भला हमारे लड़के वहां वर्ल्ड कप जीत जाते लेकिन वहां पर पनौती हरवा दिया, लेकिन टीवी वाले ये नहीं कहेंगे ये जनता जानती है। यानी भाई साहब सबको ज्ञान बांटेंगे, पीएम मोदी को क्या करना चाहिए, कहां जाना चाहिए, कहां नहीं जाना चाहिए, टीवी वालों को क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए, क्या नहीं दिखाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, सब ज्ञान बांट देंगे भाई। लेकिन आपको क्या बोलना है ये आपको कौन सिखाएगा भाई साहब? एक तरफ पीएम मोदी देश को चांद पर पहुंचाने का सपना देखने और उस सपने को पूरा करने का हौसला जुनून और जोश दे रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी और विपक्ष के नेता देश को पनौती शब्द में उलझा रहने का फॉर्मूला समझा रहे हैं कि कैसे किसी के पनौती होने से कोई जीत जाता है और कोई हार जाता है। वाह भैया, एक तरफ पीएम मोदी देश को तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए सबको मजबूत बनाने की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि देश तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा, और एक तरफ राहुल गांधी पनौती जैसे शब्दों के इस्तेमाल करके देश की जनता को इसमें ही गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत इकलौता ऐसा देश होगा जहां क्रिकेट टीम की हार को भी राजनीति का मैदान बना दिया जाता है। यही अगर ऑस्ट्रेलिया के पीएम होते और ऑस्ट्रेलिया हार गई होती तो शायद वहां पर इस तरह की वाहियात बातें कभी भी ना होती। भारत और ऑस्ट्रेलिया का मैच देखने के लिए लगभग 1,30,000 दर्शक स्टेडियम पहुंचे थे। इसके अलावा करोड़ों दर्शक टीवी पर यह मैच देख रहे थे। तो क्या वो भी पनौती थे? अरे मैच देख रहे थे भाई साहब, हार जीत होती रहती है। पिछले 10 मैच जो जीते तब इसी मैदान पर लीग मैच में भारत ने पाकिस्तान को हराया था, तब किसी के देखने और ना देखने से मैच हार जाते हैं क्या? लेकिन राहुल गांधी और उनकी टीम पीएम मोदी को पनौती बता रही है। उन्हें मोदी को पनौती बताने का, बदनाम करने का बस कोई भी मौका चाहिए। और टीम इंडिया वर्ल्ड कप का फाइनल क्या हारी, एक पूरा सिस्टम नरेंद्र मोदी के पीछे पड़ गया। कुछ लोग तो यह भी कह रहे हैं कि पीएम मोदी का खिलाड़ियों के ड्रेसिंग रूम में जाना भी मात्र एक दिखावा था, फोटो सेशन करने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए पीएम मोदी वहां पहुंचे थे। मतलब भाई साहब इसमें भी राजनीति, यानी अगर टीम हार गई और एक प्रधानमंत्री अपने खिलाड़ियों को जाकर हौसला अफजाई कर रहा है, उनका मनोबल बढ़ा रहा है, उनको कह रहा है कि कोई नहीं भाई, हार जीत चलती रहती है, मुस्कुराओ, अरे हार जीत चलती रहती है, देश आपको देख रहा है, तो क्या उसमें भी राजनीति? जानकारी के मुताबिक टीम इंडिया की बैटिंग के वक्त नरेंद्र मोदी मैदान में थे ही नहीं, फिर टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने इतने कम रन कैसे बनाए भाई? ऑस्ट्रेलिया की पारी के भी 30 ओवर पूरे हो चुके थे उसके बाद पीएम मोदी स्टेडियम पहुंचे, यानी लगभग उस वक्त पूरा मैच हो ही गया था, ऑस्ट्रेलिया की जीत लगभग हो ही गई थी तब पीएम मोदी वहां पहुंचे। अगर उन्हें राजनीति करनी थी तो वहां जाते ही नहीं, सोच लेते हार तो गया ही भारत, अब क्या जाना। लेकिन नहीं, पीएम मोदी वहां पहुंचे, अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, उन्हें सांत्वनाएं दी। जो राहुल गांधी वर्ल्ड कप हारने पर दूसरों को पनौती कह रहे हैं, उनके खुद का रिकॉर्ड कैसा है वो भी आपको बताता हूं। जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे तो कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहा था, यहां यह भी जानना जरूरी है।
तो आपको बता दूं कि राहुल गांधी 16 दिसंबर 2017 से लेकर 3 जुलाई 2019 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। इस दौरान 13 राज्यों में चुनाव हुए, इनमें से कांग्रेस मात्र 4 चुनाव जीती, मात्र 4। 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए, वो भी हारे, और कैसे हारे ये पूरे देश को पता है, सब जानते हैं। गुजरात हारे, त्रिपुरा हारे, मेघालय हारे, नागालैंड हारे, तेलंगाना हारे, आंध्र प्रदेश हारे, ओडिशा हारे, अरुणाचल हारे, हरियाणा हारे, सिक्किम हारे, सब कुछ सब हारे। फिर आपको क्या कहा जाए भाई, और कहने वाले तो कह भी रहे हैं, सोशल मीडिया पर जाके देखिए लोग क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। 19 नवंबर को ही पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जयंती थी, उनका जन्मदिन था उस दिन। एक भाषण के दौरान प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि आज उनका जन्मदिन है, पक्का हम लोग जीतेंगे। सुनिए, उन्हें भी सुनिए। मुझे याद है 1983 में जब इंडिया जीता था, उस समय इंदिरा जी थी और इतनी खुश थी, पूरी टीम को अपने घर बुलाया चाय के लिए। आज उनका जन्मदिन है, पक्का आज हम फिर से जीतेंगे। अब क्या कहा जाए, मतलब खत्म, टाटा, बाय बाय। टीम इंडिया की हार के बाद कुछ लोग और नेता तो अब अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम और वहां बैठे फैंस को भी निशाना बना रहे हैं। उनका कहना है कि अगर ये मैच गुजरात के अहमदाबाद की जगह, यानी गुजरात के अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नहा होकर कहीं और होता तो इंडिया जीत जाती। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा, अगर मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में होता तो भारत मैच जीत जाता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का कहना है कि अगर मैच लखनऊ में होता तो भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता और हम मैच जीत जाते। मतलब इन लोगों की बात सुनिए आप, इनकी मानसिकता देखिए आप, ऐसा लगता है जैसे गुजरात हमारे देश का हिस्सा ही ना हो, कोई अलग देश हो, और वो भी इसलिए क्योंकि पीएम मोदी वहां के हैं। वैसे आपने टीवी पर एक एड देखा होगा कि दाग अच्छे हैं, तो सही मायने में दाग अच्छे हैं, क्यों वो भी आपको बताता हूं। यह पहली बार नहीं है कि राहुल गांधी ने कि पहली बार देश के पीएम के लिए कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया हो। 2019 के चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कहा था कि देश का चौकीदार चोर है, यह भी उन्होंने कहा कि चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों होते हैं। और उसके बाद क्या हुआ चुनाव में, बीजेपी पहले से भी ज्यादा सीटों से जीती और दोबारा सरकार बनाई। अब कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि आगामी चुनावों में कांग्रेस को इसका भी नुकसान हो सकता है, और बिल्कुल हो सकता है। मतलब इन लोगों ने अब कसम खा ली है कि कुछ भी हो, कैसे भी हो, कुल मिलाकर इन्हें मोदी का विरोध करना है, जिसके लिए ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, वो अच्छा हो या बुरा उसके लिए इन्हें फर्क नहीं पड़ता, उसके परिणाम क्या हो सकते हैं उसके बारे में भी ये नहीं सोच सकते हैं। खैर, अब जैसी जिसकी मानसिकता और जैसी जिसकी सोच। अभी के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए डीएनपी इंडिया। नमस्कार।